करना है कि 3+ के √2 ए क्या है, आप ऐसे किया। इस टाइप का सवाल अगर बोर्ड परीक्षा में बनेगा तो आपका 4 नंबर में बनेगा या तो 2 नंबर का। लेकिन और अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि √5 ए क्या है, आप ऐसे किया। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो 4 से लेकर 6 नंबर बनेगा, चाहे 4 नंबर में चाहे 6 नंबर में। देखिए पहला सवाल आपका दिया गया है कि सिद्ध करना है कि 3+√2 ए क्या है, आप परिमेय संख्या। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, परिमेय संख्या। अगर दायां पक्ष परिमेय संख्या तो बायां पक्ष भी परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो माना कि 3+√2 एक क्या मान लेते हैं, आप परिमेय कह रहा है, हम क्या मानेंगे, परिमेय विरोधाभास। माना 3+√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है इसको लिख सकते हैं 3+√2 बराबर ए बटा बी, लिख सकते हैं। ये आपका प्लस में ग्रह क्या हो जाएगा, √2 बराबर ए बटा बी माइनस के डी। आपको पता है कि परिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि दायां पक्ष परिमेय संख्या तो बायां पक्ष भी परिमेय संख्या होगा। हम कहेंगे कि a बटा b माइनस के 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये जब परिमेय संख्या है तो एकरे अनुसार ये परिमेय संख्या है तो दायां पक्ष और परिमेय संख्या तो बायां पक्ष का हो जाए परिमेय संख्या, तो यह नातिका हो जाए कि √2 भी एक क्या है, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, √2 एक किसके अनुसार हुआ है, इस वाले के अनुसार। लेकिन हमें पता है √2 क्या है, परिमेय संख्या है ना, तो कहेंगे क्या, किंतु या परंतु √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अगर ये अपरिमेय संख्या हो गया तो हमारी धारणा का विरोध किया कि नहीं किया, तो विरोध करता है, विरोध करता कि नहीं विरोध करता है। यहाँ पे एक ये बोल रहे हैं क्या, परिमेय, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अपरिमेय, तो विरोधाभास लगा करने लगा। तो कहेंगे इसलिए जो हमारी धारणा को, जो हमारी धारणा को क्या करता है, गलत करता है, गलत करता है, इसलिए आप क्या बोलोगे, 3+√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना छोटा से लिखने को होता है, आप लोग छोटे चले आते इस चीज को, आसान है कि नहीं आसान। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको कि सिद्ध करना है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय। अब चाहे √5 दिया जाए, चाहे √3 दिया जाए, चाहे √7 दिया जाए, चाहे √2 दिया जाए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहला अपरिमेय है तो हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। कि माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या मान लिया तो √5 बराबर हो जाएगा ए बटा बी, जहां ए और बी, जहां आपके ए तथा बी, ए तथा बी क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। तो सहभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है, तो छोटा सा चीज जानेंगे, सहभाज्य, सहभाज्य जो हुआ होता है कि जिसका केवल केवल कितना गुणनखंड हो, एक गुणनखंड हो, एक के सिवा कोई और ना हो, ठीक है। वो सहभाज्य परिमेय कहता है कि अगर भी स्क्वायर ए से आपका कट रहा है तो आपका पी भी ए से कटेगा, ये सहभाज्य क्या है, आपका परिमेय है ना। तो यहाँ पे हमने सहभाज्य क्या मान लिया, पूर्णांक मान लिया, क्रॉस गुणा। ए बराबर आ गया √5 बी, ए बराबर √5 बी, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो वर्ग जब करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर √5 का वर्ग, 5 स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है, बताइए,
अब अगर बात करते थे समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण नंबर क्या मान लिया हमने, फर्स्ट मान लिया। अब बात करेंगे, अगर देखिए कोई चीज विभाज्य होता है, यहाँ पे कहेंगे साभाज्य परिबंध है कि नहीं बन रहा, कि पी स्क्वायर जब आपका ए से विभाज्य था तो पी भी ए से विभाज्य था, तो यहाँ पे कहेंगे कि ए स्क्वायर पांच से क्या है, विभाज्य है। तो ए भी पांच, जब ए स्क्वायर पांच से विभाज्य है इसलिए ए भी पांच से विभाज्य, इससे पांच से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो जब विभाज्य होगा तो ए बराबर पांच के कोई कांस्टेंट मान लिया जाता है। अब जो भी कांस्टेंट आप मानेंगे वो यहाँ पे रखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो क्या करेंगे, पांच के का स्क्वायर बराबर पांच बी का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, पच्चीस के स्क्वायर बराबर पांच बी स्क्वायर, पांच से काट दीजिए, पांच एक के पचपन पच्चीस, तो बी स्क्वायर बराबर आ गया पांच के स्क्वायर। देखिए जैसे यहाँ पे बन रहा था वैसे यहाँ पे ही बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे भी आप यही बात बोलोगे कि बी स्क्वायर पांच से क्या है, विभाज्य है, बी स्क्वायर पांच से विभाज्य है, इसलिए बी भी किससे, पांच से विभाज्य होगा। अब यहाँ पे समझिए, पहले आपने ए और बी को क्या माना है, साभाज्य माना है। साभाज्य का मतलब एक गुणनखंड, यहाँ पे ए भी पांच से कट जा रहा है और बी भी पांच से कट जा रहा है, दो गुणनखंड हो गया कि नहीं हो गया। तो कहेंगे क्या कि ए तथा बी, ए तथा बी दोनों का एक गुणनखंड या दोनों पांच से क्या है, विभाज्य है। हमारी धारणा का विरोध हुआ कि नहीं, क्योंकि हमने क्या माना था, साभाज्य, और यहाँ पे क्या हो रहा, भाज्य हो जा रहा है, विभाज्य हो जा रहा है। तो कहेंगे पांच से क्या दोनों विभाज्य, जो हमारी धारणा का विरोध, जो हमारी धारणा का क्या कर रहा है, विरोध करता है, विरोध करता है। अब विरोध कर दिया इसलिए कहोगे रूट पांच ए क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आया बात समझ में, यही बात सिद्ध करने के लिए आएगा। अब अगर मान लीजिए आपको रूट सात दे देता है, कितना दे देता है, रूट सात। अब रूट सात दे देगा तो आप बस यहाँ पे सात सात करते चले जाओगे, यहाँ पे 49 हो जाएगा। आया समझ में आया, इस टाइप का सवाल आपका एक बोर्ड परीक्षा में आना ही आना है, चाहे ये आएगा चाहे आएगा, अंक चेंज कर सकता है बस। जैसे यहाँ पे मान लीजिए बन सकता है ऐसे कि 6√2 या 6√3 बन जाए, ज्यादा 5 और 3 आवे तो 7 आवे, ठीक है, कोई डाउट है, बन जाए कि नहीं बन जाए, लग जाएगा सबसे ना। कि दर्शाइए कि किसी या कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 के रूप का होता है, ठीक है ना। अच्छा विषम संख्या क्या है, जो दो से ना कटे, ये तो है विषम होता है कि जो दो से ना कटे, तो जो दो से कट जाए वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। हमें विषम, आपको धनात्मक विषम कह रहा है, पूर्णांक जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक धनात्मक एक कैसा होता है, धनात्मक पूर्णांक दो तरह के होते हैं ना, एक धनात्मक होता है कैसा होता है। तो यहाँ पे किसकी बात किया गया है, धनात्मक पूर्णांक की बात किया गया है। तो मानते हैं, माना कोई धनात्मक धनात्मक पूर्णांक कितना मान ले रहे हैं, ए तथा बी है। मान लिया हमने कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी है। आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयता कहता है कि अगर ए से आप भाग कर रहे हैं बी में, ऐसे आप बी में भाग करते हैं तो क्यू बार जाता है, शेष पर कितना आता है, आर आता है। तो आप कहते हैं बी बराबर ए क्यू प्लस के आर, कहते कि नहीं कहते। तो हमने माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी है, हमने ए बराबर कितना मान लिया, 6 मान लिया। बच्चों लिख देखिए, कुछ लोग परीक्षा में जो स्टेप हम लिखने जा रहे हैं उसको नहीं लिखते हैं, लेकिन आप लिखोगे साइड में क्या, कि 6 से भाग करो किसमें, बी में, कितनी बार जाएगा, क्यू बार, शेष पर कितना गया, आर। तो बी बराबर आ गया आपका 6q+k r।
अब आर ये आपका क्या है, रिमाइंडर है, शेषफल है। आर का जो मान हो सकता है जीरो हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार और पांच हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता, कोई हो सकता है नहीं हो सकता है। अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि b बराबर, हमें पता है कि 6q प्लस के r, अगर देखिए कितना स्टेप आप आपने दिखा देंगे साइड में, दिखाते रहे हैं लेकिन आप दिखाओगे क्योंकि एग्जामिनर को पता चले हाँ कब लगाए, आपको आता तभी तो लगाए हैं, तो ये रही कहीं से नकल वकल किए हो। तो यहाँ पे क्या, एक बार r बराबर हम जीरो रखेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, 6q आ जाएगा। अगर हम r बराबर एक रख देते हैं b बराबर आ जाएगा 6q प्लस के एक, इसी प्रकार r बराबर दो 6q प्लस के दो, r बराबर तीन b बराबर 6q प्लस के तीन, r बराबर चार तो b बराबर 6q प्लस के चार, r बराबर पांच तो 6q प्लस के पांच। अब रुक जाओ, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं हमारा सवाल बहुत छोटा लग गया है, लेकिन क्या कर देते हैं, इन्हीं स्टेपों को एक लाइन में लिख देते हैं, एक लाइन में लिख देते हैं, तो लिखने से क्या फायदा है, कि आपको बड़े बच्चे कॉपी भी तो भरना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने कहा विषम पूर्णांक चाहिए, यानी दो से क्या हो, कटना कटना कटी, ये दो से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये भी दो से कट रहा है, तो दो कॉमन ले लेंगे ना, यहाँ पे भी कॉमन लेंगे, तो आपका 6q प्लस दो 6q प्लस चार का एक गुणनखंड कौन है, दो है, तो आप बोलोगे कि 6q प्लस चार दो और 6q प्लस चार का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड कितना है, दो है, या दो से विभाज्य है। तो ये यार आपके सम हो गए तीनों, तो बचे कितने, तो बचे आपका, अरे यहाँ पर हो गया ना 6q नहीं होने, तो बचा क्या आपका 6q प्लस के वन, 6q प्लस के, इसलिए 6q प्लस के 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस के 5 क्या धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि आपके कैसे हो गए सम, बाकी बचे क्या हो गए विषम हो गए। आया समझ में, ये जो सवाल बनेगा बोर्ड परीक्षा में आपका 4 नंबर का बनेगा, उससे नीचे नहीं बनेगा, ये 4 नंबर का बनने वाला है, ये आपका 6 नंबर का बनने वाला है, ठीक है। जब हमें पता कि हाँ ये सब सवाल आने ही आने हैं, पहले लगा के बैठ जाए। यहाँ पे सवाल क्या कह रहा आपका, कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या कह रहा है, घन 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है। समझिए, कभी कभी यहाँ पे कुछ चीज जोड़ देगा, क्या जोड़ देगा क्वेश्चन में, कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके बताइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है। कुछ नहीं करेंगे, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखना, तैयार कर लेना। कभी कभी घन की जगह पे वर्ग कह सकता है, ठीक है, घन की जगह पे वर्ग आ जाएगा, तब भी आपको लगाना है। तो ये आपका 6 नंबर का सवाल पक्का मान के बैठो इस साल के लिए, कि पिछली बार ये क्वेश्चन नहीं आया था, वर्ग वाला आया था, तो इस बार आ सकता है क्वेश्चन 100%। क्या करेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए तथा बच्चों क्या है, बी है। तो जब ए तथा बी है, ए बराबर हमने कितना मान लिया, 3 मान, कितना मान लिया, 3। तो 3 से भाग करेंगे बी में, कितनी बार जाएगा, क्यू बार, शेष पर कितना आ गया, तो बी बराबर 3q प्लस के आर। आपके जो आर के संभव मान आए, शेष फल आएंगे, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। पहले बार में क्या करेंगे, आप आर बराबर क्या रखोगे, 0। जब आप आर बराबर 0 रखोगे तो ये आएगा 3q आएगा ना, इसका घन की बात किया, इसका बात घन का, तो 3q का घन
तीन त्रिका नौ त्रिक 27 आया 27 क्यू 27 को लिख सकते हैं 9 गुणे 3 क्यू इतने को हमने क्या मान लिया m क्या मान लिया m तो यह आ गया 9m इसको हमने क्या माना m कितने को क्योंकि m के रूप में चाहिए पूर्णांक ठीक। अगला बार आप r बराबर कितना रखते हो 1 तो ये आ गया 3 2 + 1 इसका हमें क्या करना है घन 3 2 + 1 का घन यानी क्यू a प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस के बी क्यू ए का क्यू करोगे एक पे आएगा और प्लस 3ab 3 × 9 ब्रैकेट में 3 क्यू + 1। अब यहाँ पे क्या करोगे 9 × 3 = 27 अरे 3 का क्यू करो 27 आएगा ना क्यू प्लस 9 क्यू ब्रैकेट में 3 क्यू + 1 इसको मन को हमें चाहिए क्योंकि मन में कोई परिवर्तन नहीं करना मन लाए चाहिए ना मन हमें यहाँ पे ठीक। तो या इन दोनों में कितना कॉमन है 9 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा आपका 3 क्यू + 1 ब्रैकेट में 3 क्यू बड़ा ब्रैकेट लगा दो और प्लस के 1 इतने को आप क्या मान लेते हैं m और प्लस के 1 तो ये आ गया आपका 9m + 1 आ गया। सेम इसी प्रकार बोलोगे क्या बोलोगे कि इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि जब r बराबर कितना रखोगे 2 तो 3 क्यू + 2 आएगा और 3 क्यू + 2 का अगर क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब करो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा नहीं आ जाएगा 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा और बाकी सबको मान लेंगे इसीलिए कहेंगे आपका आ जाएगा 9m + 8 इसी प्रकार 9m + 8। अरे भाई करके दिखा दी कहूँ तो अच्छा मतलब जहाँ 8 है मतलब ये कहूँ 8 रहिए बात बस ठीक है इसलिए कहोगे धनात्मक इसलिए धनात्मक पूर्णांक का घन कितना 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है ये आपका 6 नंबर का सवाल रहेगा ठीक है ना। सब लगाइए और डाउट रहेगा पूछ लेना ठीक है ना।